ये क्यों बैठे हैं, इनको क्या चाहिए, क्या इनको मुस्तफा नहीं चाहिए, बस हर जगह नाम मेरा आगे पीछे होता है, कमरे में इधर उधर जिधर देखो सामने लगे हुए नाम, बस इन्हीं नामों को देख के जीता हूँ, मतलब मेरा ईमान मेरी जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा, और आपकी ईमान जान हजरत मोहम्मद, दिल नहीं लगेगा कहीं भी वजीफे पढ़ो फायदा नहीं होगा। मैं एक बात कहता हूँ, इस हर वक्त के साथ बात होती है, वक्त के साथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने वक्त में कहा था, कदमी हाजा अला रिकाब कुल औलिया, उनके वक्त में था, इस वक्त में नहीं है, इस वक्त में ये चीज नहीं है उनकी, उस वक्त में था, जोश रहमत में थे, खुदा ने वो कबूल कर लिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का कदमी हाजा अला रिकाब, मशहूर वाक्या, वो उस दौर में था, इस दौर में भी एक मौजूद है अल्लाह, इस दौर में भी मौजूद है, और वो कह सकता है, कहना नहीं चाहता, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तरह नहीं कहता, उन्होंने जोश रहमत में कहा था, उन्होंने जोश रहमत में कहा था, और कबूल थी वो बात उनकी रज़ी अल्लाह। और इस वक्त भी कोई मौजूद है कायनात में, उसको आका जी ने कहा तुम भी कह दो कदम अला रिकाब कुल औलिया, ये उनकी तरफ से, तो ये जो उनकी तरफ से है ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी से बढ़ के है, ये उनसे बढ़ के है, उन्होंने खुद कहा था, खुदा ने कबूल किया रज़ी अल्लाह। अच्छा आका जी ने उसको कह दिया कि तुम अगर कहो तो कह दो, तुम कि मेरा तेरा कदम हर औलिया अल्लाह के गर्दन, तो वो मौजूद हैं, ये नेमत उनको करीब नसीब हुई है कि उनका कदम इस वक्त जितने भी कायनात उनके गर्दनों पर, उसको आप ढूंढे कौन है, आपके पास हिसाबदान मौजूद है, आमिल मौजूद हैं, ऐसे वो कौन है इस कायनात में जिसको नबी ने कहा है, सुना है हमने कि तुम कहो तो कह सकते हो तुम्हारा कदम इस वक्त में हरा हो गया अल्लाह की गर्दन, हाँ वो मौजूद है इस कायनात में, अल्लाह जिसको नवाज दे, फिर आका जी जिसको नवाज दे।